हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शैलजा किचन में। आज मैं आपके सामने पनीर की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने शाही पनीर की रेसिपी बताई है। उसमें मैंने बताया है कि पनीर के बहुत से आइटम बनते हैं, उसमें जो मेन अंतर रहता है वह उसकी ग्रेवी बनाने के तरीके में रहता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे पनीर मखनी में क्या स्पेशल रहता है और एक स्वादिष्ट व अच्छी दिखने वाली पनीर मखनी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने जितने भी चीज़ों का यूज़ किया है उसका लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो उसे नोट भी कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मैं आपको सारे आइटम को एक एक करके दिखा दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। फिर इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, एक प्याज, 4 से 5 टमाटर, 2 चम्मच क्रीम, मक्खन। दे मसाले में हमें चाहिए दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा सजीरा और 4 से 5 लाल मिर्च, कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा चीनी, 10 से 12 काजू, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 8 से 10 लहसुन नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से अदरक और हरी मिर्च कटे हुए, सबसे पहले एक पैन में बटर लेंगे, उसमें लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, काजू डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता, लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च कम डालें। मिक्स कर देंगे। और इसे 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। से 12 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देंगे और इसमें से सारे खड़े मसाले निकाल देंगे। इसे पीस लेंगे। मैं इसे गर्म ही पीस रही हूँ, आप इसे ठंडा करके तब पीसें। अब इसे हम छान लेंगे। अब ज्यादा थोड़ा सा पानी डाल के इसे डाल देंगे।
अब एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसमें शाही जीरा डालेंगे, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसे पेस्ट को डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। और इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। बीच बीच में से चलाते रहेंगे। अब इसमें क्रीम डालेंगे। मैंने मलाई मिक्सर में फेंट लिया है, मिक्स कर लेंगे। एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, इसमें हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, अब इसमें पनीर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ग्रेवी तैयार है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे।
गैस बंद कर देंगे। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी पराठे या रोटी या नॉन के साथ खा सकते हैं। आपसे फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।